नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो, जहां हम बात करेंगे रामानंद सागर की रामायण के एक एपिसोड के बारे में। आपको शायद हैरानी होगी कि इतनी खर्च और कमाई कैसे हो सकती है एक टेलीविजन शो के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। आप लोग सभी जानते ही होंगे, 1987 में टेलीकास्ट हुआ रामानंद सागर का रामायण सीरियल महज एक शो नहीं था, बल्कि ये उस वक्त लोगों की आस्था का केंद्र भी था और आज तक भी ये सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन में जब रामायण का टेलीकास्ट हुआ तो वहीं श्रद्धा और भक्ति का भाव लोगों के मन में देखने को मिला था, जो 90 के दशक में था। खैर, आज हम इस एपिक सीरियल से जुड़ी खास और दिलचस्प बात आपको बताने जा रहे हैं। एक एपिसोड को बनाने में खर्च होते थे लाखों रुपए। 90 के दशक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय शो था रामायण, जिसके हर एपिसोड के लिए लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते रहते थे। वहीं रामानंद सागर भी इसके हर एपिसोड में जान फूंकने के लिए दिन रात एक कर देते थे। एक एक एपिसोड को लिखना और फिर उसे उसी हिसाब से शूट करना इतना आसान नहीं था। वहीं जब इसे खास बनाने की बात तो खर्चा भी उसी हिसाब से होता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त रामायण के एक एपिसोड का खर्च था लगभग 9 लाख रुपए। 9 लाख खर्च के बाद इतनी होती थी कमाई, चूंकि ये एक पॉपुलर शो था, लिहाजा इसके लिए जितना बजट तैयार करने में लगाया जाता था उससे कई गुना ज्यादा वो कमाई भी कर लेते थे। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त मेकर्स को 40 लाख रुपए तक एक एपिसोड की कमाई हो जाती थी, जो उस समय के मुताबिक काफी ज्यादा थी। उस वक्त इस सीरियल के 78 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। इससे आप शो के बजट और कमाई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इस शो की शूटिंग भी आसान नहीं थी। 100 से ज्यादा टेक्नीशियन दिन रात शूटिंग के लिए शिफ्ट में तैयार रहते थे, तो वहीं कलाकारों ने भी रामायण के लिए जी जान लगा दी थी। रामानंद सागर की रामायण ने दर्शकों को धारावाहिक का आनंद दिया, साथ ही साथ हमें संस्कृति, धर्म, नैतिकता और मानवीयता की महत्वपूर्ण सीखें भी दी। तो यह थी रामानंद सागर की रामायण के एक एपिसोड के पीछे की कहानी। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।